लेकिन फिर भी खतरा कायम है। खतरा का निशान है, खतरा करें। अब वरना टूटा हुआ है तो उसको बनाने के लिए गए हैं अभी। अच्छा अच्छा, उधर भी टूट गया है फिलहाल, उधर भी, यानी पानी का उपद्रव चारों तरफ फैलने लगा है। ये पानी कहाँ से आता है? झारखंड से। झारखंड से चल के आता है ये तिलैया डैम जो है ना। अच्छा अच्छा, उसी से ये पानी आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज और मैं हूँ आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। रुक रुक कर लगातार हो रहे बारिश के कारण देख सकते हैं चारों तरफ पानी जहाँ तहाँ, अब तो गांव में भी जाने लगा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में नदी इधर दिखाएं, खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। और अब ज़्यादा बरसात होता रहा तो बिल्कुल पानी का आक्रमण सीधे खेतों में, गांव में, चारों तरफ देख सकते हैं। गांव वाले ने बांध खड़ा किया है, लेकिन बांध कितना देर तक रोक सकता है इस पानी को? धारा इतना तेज है, जो भी बहाव में आ रहा है सभी को लेकर दह जा रहा है। यह है फिलहाल स्थिति। और यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इधर भी दिखाएं। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? कह रहे थे जो है बनहा जाता, ऊंचा रहता ही। अच्छा। तो ये नहीं होता सा, बिल्कुल ये इसको ऊंचा करता, ये नीचा बना दिया तो ऊंचा रहता तटबंध, तो ये नहीं टूटता। इधर भी तटबंध ऊंचा रहता तो ये नहीं होता, लेकिन कोई करने वाला नहीं है, ये खाली अपना समय के व्यतीत करने वाला है। कौन सा गांव है ये? बेमानी गांव है, बियाबानी गांव। हाँ, हम दरोगा से बोल रहे हैं, थाना प्रभारी से हम रिटायर घर बनाए हैं। आई पानी से सब डूब रहा है, देखे तो देखे मट्टी में भींग भींग के, आइया देखिए सब के हम अपने हाथ से सबको मजबूत किए। तो मुखिया जी क्या कर रहे हैं? मुखिया जी गाड़ी दिए। अच्छा। मुखिया जी आए थे। अच्छा अच्छा, मुखिया जी गाड़ी दिए हैं, अभी मुखिया जी गए हैं। इतना व्यवस्था मुखिया जी करवाए? मुखिया जी करवाए हैं। अच्छा अच्छा, तब मुखिया जी लाए थे गाड़ी, तो उससे हम सगलो सजाए हैं, इसको बनाए हैं, लेकिन फिर भी खतरा कायम है। खतरा का निशान है, खतरा करें। अब वरना टूटा हुआ है तो उसको बनाने के लिए गए हैं अभी। अच्छा अच्छा, उधर भी टूट गया है फिलहाल, उधर भी, यानी पानी का उपद्रव चारों तरफ फैलने लगा है। इधर दिखाए, देख सकते हैं ऊपर सब दह गया, बेमानी देखिए नहीं, सब दहा हुआ है सर, देखिए। और इधर दिखाएं एक थोड़ा, प्याज इतना सब्जी लगा हुआ है कि सब। इधर मंदिर है, मंदिर भी अब डूबने लगा है, मंदिर पे भी पानी चढ़ने लगा, चढ़ने लगा मंदिर पर पानी, देखिए ना सब मंदिर पर पानी चढ़ने लगा। अच्छा एक बात बताएं, पानी ऐसे इस प्रकार अगर छलांग गया इधर से तो कितना गांव में पानी चला जाएगा? पानी में गली में हिल जाएगा, घर में हिलेगा, पूरा गांव में हिल गया पानी, हिल गया पानी, पूरा गांव में हिल गया पानी, पूरे गांव में हिल गया, हिल गया, यानी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गया है। हाँ, तो हम बिहार शरीफ से बोल रहे हैं, स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ, बिल्कुल बड़ी पहाड़ी के नजदीक, जिसका नाम है पंचाने नदी, और इस समय रौद्र रूप में है, पानी ऊपर चढ़ चुका है, खतरे के निशान से अब बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुका है। और कितने को डुबा दिया है? 5 गांव बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने बताया कि अब तक फिलहाल पानी डुबा दिया है। उदाहरण आप देख सकते हैं, एक मंदिर है, अब मंदिर के ऊपर भी पानी चढ़ने वाला है और बस कुछ देर में चढ़ ही जाएगा, घंटे डेढ़ घंटे के भीतर। ये पुल, ये पानी कहाँ से आता है? पंचाने नदी है। ये गिरियक वाला जो है ना। अच्छा, वही अच्छा है, ये गिरियक से चलता है, गिरियक से चलता है। इधर भी दिखाएं, देख सकते हैं किस प्रकार पानी हाहाकार मचाते हुए। इधर कहाँ से आ रहा है पानी? फिलहाल तिलैया डैम से, तिलैया डैम से चल के आता है, और ऊपर से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बारिश